हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो दोस्तों मैं वापस से हाजिर हूँ यार हिप हॉप की न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों आज भी बहुत सारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो एकदम एंड तक देखना। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पहली न्यूज़ यार नेस्टी निंजा की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों यार एक दिन पहले यार नेस्टी निंजा ने एक स्टोरी डाली, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। 2019 थ्री एल्बम्स स्टे रेडी। तो यार स्टोरी से लग रहा है कि यार नेस्टी निंजा इस साल में 3 एल्बम निकालने वाले हैं। तो यार अभी फिलहाल ये तो नहीं पता है कि यार फुल एल्बम होगी या फिर शॉर्ट एल्बम होगी, जो कि यार 5-5 गानों की होती है, 3-3 गानों की होती है वो है, या फिर फुल एल्बम जो होती है यार 10-11 गानों की वो है। तो अभी कुछ भी नहीं पता है, बस 3 एल्बम आने वाली है 2019 में, जो कि होगी नेस्टी निंजा की तरफ से। तो यार बहुत ही अच्छी बात है यार, मतलब 3 एल्बम एक साल में एक एल्बम लाना यार बहुत बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए, और नेस्टी निंजा 3 लाने वाले हैं। तो यार देखते हैं यार कब तक आती है। तो यार अगर 3 एल्बम निकालने वाले 2019 में, तो यार 6 महीने ही बचे हैं यार अभी पूरा साल ख़त्म होने में। तो यार 6 महीने में 3 एल्बम, मतलब 2 महीने में एक आ सकती है। तो वेट करो यार, बहुत जल्दी नेस्टी निंजा की एल्बम देखने को मिलने वाली है। तो अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ यार हनी सिंह की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों यार जैसे कि मैंने आप लोग को 2-3 वीडियो पहले रिपोर्ट कर दिया था कि हनी सिंह का सॉन्ग आने वाला है खड़के ग्लासी, जो कि रीमेक होगा यार उनका जो फर्स्ट सॉन्ग था ग्लासी का, जो कि अशोक मस्ती के साथ था। तो यार फाइनली यार उनका खड़के ग्लासी रीमेक आ गया है। ये मैं वीडियो रात को बना रहा हूँ, तो यार आप लोग शायद सुबह तक देखोगे, तो गाना शायद आउट हो चुका होगा। तो यार ये सब चीज़ें बोलने के अलावा मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ। तो यार हनी सिंह ने एक पोस्टर डाला, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ यो यो हनी सिंग्स खड़के ग्लासी दिस मानसून रिलाइव #खड़के ग्लासी देसी स्टाइल इन जबरिया जोड़ी स्टे ट्यून्ड #ग्लासी आउट टुमारो। तो यार ये आज दिन में डाला था, मतलब यार कल गाना आने वाला है, मतलब आप जब देख रहे होगे तब तक तो शायद आ ही गया होगा। और इसके बाद से यार एक शॉर्ट वीडियो भी आउट करा हनी सिंह ने, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि यार वही बीट है और वैसे ही ये सेम, मतलब रीमेक है, तो आप लोग समझ ही जाओ यार, जिनने सुना होगा यार ग्लासी पहले वाला, तो यार सेम वही है, अशोक मस्ती ही है। और हनी सिंह का इसमें रैप होने वाला है, प्रॉपर रैप होने वाला है। तो अब देखते हैं कल पता चलेगा कि गाना कैसा है। तो यार अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ यार एमसी अल्ताफ की तरफ से आ रही है। तो यार एमसी अल्ताफ का जो गाना रिलीज़ हुआ था कोड मुंबई 17, वो 300K व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। तो यार बहुत बहुत बताइए यार एमसी अल्ताफ को, क्योंकि यार गाना रिलीज़ अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था, मैंने आप लोगों को रिपोर्ट भी करा था, और अभी 300,000 व्यूज़ क्रॉस कर चुका है, तो बहुत बड़ी बात है यार। और जिन्होंने अभी तक ये गाना नहीं सुना तो जाके सुनो यार, ये गाना डिज़र्व करता है इतने व्यूज़, और इतने क्या इससे भी ज़्यादा करता है, मिलियन पार होना चाहिए ये, तो जाके सुनो यार जिन्होंने नहीं सुना है। तो यार अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ यार गानों की तरफ से आ रही है। तो यार पहला गाना जो उसका नाम है कारवां बाय ज़ेनिथ संग चरण, सॉरी यार अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो क्योंकि यार रैपर्स के नाम बहुत ही मतलब यूनिक होते हैं, और कुछ नाम कुछ और होता है और प्रोनाउंसिएशन उसका कुछ और होता है, इसलिए मैं सॉरी बोल देता हूँ, शायद गलत हो जाए प्रोनाउंस, तो यार बुरा मत लगाना। तो यार ये वाला गाना जो है वो आउट हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना तो जाके सुनो यार, और बताना कि गाना कैसा लगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी ही न्यूज़ थी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी दबा देना, और पड़ोस में जो घंटा है उसको भी बजा दो, और अपने फ्रेंड्स को ऐड करो यार इसमें जिनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, क्योंकि यार ऐसा चैनल कहीं नहीं मिलेगा, देसी हिप हॉप की न्यूज़ सिर्फ यहाँ पर मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी, और सारे रैपर्स की जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सी होती है सब इस चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियोज़ डेली आती रहती है इस चैनल पर। तो बस अब मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।